हाँ जी, मीडिया कर्मी प्लीज यहाँ पर आ जाइए और विजय सक्सेना भी यहाँ पर आ जाइए और हमारे सेलिब्रिटी के जी। ये इवेंट नहीं है, ये महा इवेंट है, ये मेगा इवेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा बिकॉज योगेश लखानी जी, ये फिल्म जो है सक्सेना जी, ये इट इज बेस्ड अपॉन इंडियन आर्मी, जहाँ पे इंडियन आर्मी है, द हीरो इज इंडियन आर्मी, वी ऑलवेज गिव सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। और मैं इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार कर रहा हूँ, बहुत किरदार इम्पोर्टेंट है मेरा, और वो मीडिया वाले मीडिया कर्मी प्लीज, ऐसा कैरेक्टर है कि आई हैव नेवर डन इट इन माय लाइफ, इट्स अ गुड क्रिएशन, और जो कि आदमी हर एक से बात करता है, आईएसआई से बात करता है, आईएसआई से बात करता है, मोसाद से बात करता है, एफबीआई से बात करता है, और वो पक्का देशभक्त है, योगेश लखानी जी हमारे पक्का देशभक्त है, इट इज फैंटास्टिक, ऐसी ऐसी लाइंस बोलने को मिली, आई हैव नेवर डन दिस, उसमें एक लाइन आती है, बोले इतना उधार देना पाकिस्तान को, इतना उधार देना, और इनको कश्मीर चाहिए, थम्स डाउन, इंडिया ऑन टॉप, इंडियन आर्मी ऑन टॉप, गॉड ब्लेस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्लीज आ जाइए, लव यू। यश वराली ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सुनील पाल जी यहाँ पर आ जाइए प्लीज, क्या हाल है ब्रदर यश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी, वीआईपी जी प्लीज। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार ये भाई, दो दो शब्द, दो शब्द बार बार। अरविंदर जी ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू विजय, हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू हैप्पी बर्थडे विजय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, सबसे पहले फिल्म का नाम है टारगेट इंडिया, जब इंडिया कोई टारगेट करता है तो उस टारगेट में सफल होता है, तो आपने हर बार देखा है, अचीव करके, युद्ध हो कोई भी युद्ध हो, इंडिया हमेशा आगे रहा है और रहेगा, और इंडिया इज़ ग्रेट, और जैसे कि विजय सक्सेना जी ने फिल्म बनाई है टारगेट इंडिया, तो मैंने बोला यार भले इस फिल्म में मैं हूँ ना हूँ, लेकिन गोली बारूद बम हेलीकॉप्टर ये सब वो सब मैं ही हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे अंदर कई ऐसी चीज़ें दी है, जैसे सब वॉइस निकलता हूँ, तो इसी माध्यम से मैं रहूँगा इस फिल्म में, कुछ ना कुछ ना कुछ करूँगा मैं, लेकिन शुभकामनाएं दूंगा मैं ढेर सारी मेरे दोस्त विजय को, और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये फिल्म देखने जरूर आना, क्योंकि फिल्म का नाम है टारगेट इंडिया, आप इंडिया से प्यार करते तो फिल्म देखेंगे जरूर। रियल नेम मेरा ताहिर कमाल खान है, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ और बहुत सारी फिल्में माशाल्लाह भी आने वाली हैं, भागते रहो, इंग्लिश की टाइम टाइम फीस, सुपर जासूस, दगड़ी चाल आपने देखी होगी। अब ये फिल्म है टारगेट इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं टारगेट इंडिया यानी टारगेट इंडिया, और इसमें मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक भूमिका निभाई है, आईएसआई जो एक मुजाहिदीन संगठन है, उस संगठन का एक मैं बहुत ख़तरनाक सरगना होता हूँ, जो 26 जनवरी पे फतेह पाता हूँ, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आता हूँ, और 26 जनवरी पे मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहता हूँ। तो इसमें अभिनय करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन घूमने को मिले, कश्मीर, शिमला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, बॉम्बे, जैसे हमने इसकी शूटिंग बहुत सारी जगहों में की है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विजय सक्सेना जी का और आप सबका, बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, लव यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ला विजय, वेरी गुड, मेरा काम यही कहानी है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, इसके ऊपर भी फिल्म बनेगी, एक मैं बनाऊंगा गेट क्रेशर के ऊपर, कैसे कैसे मीडिया में लोग घुसते हैं, कैसे बाहर रोका जाता है। सर विजय सक्सेना नाम है, विजय बात करेंगे किस तरह की मूवी है टारगेट इंडिया वाले, सर ये ओरिजिनल डिफेंस के ऊपर मूवी है, बर्थडे सर, और आपके किरदार की बात करें किस तरह किरदार है इसमें, एक बीएसएफ के कर्नल का करेक्टर है हमारा, बाकी सारे ओरिजिनल, सारे लोग आपने देखे होंगे अभी तक, फिल्में तो बहुत बनी है इसके ऊपर, लेकिन इसमें अलग से क्या है, इसमें अभी तक हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो ओरिजिनल जवान इसमें काम किया, वही हीरो है, हम हीरो नहीं है, कौन कौन ओरिजिनल जवान की बात करें, जैसे भी बीएसएफ वाले काम किए हैं, बीएसएफ के जवान हैं,
सीआरपीएस के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड पुलिस भी ओरिजिनल है इस फिल्म में। तो कितना मुश्किल था ये सब करना? सर बहुत मुश्किल था, कम से कम एक दिन की शूटिंग करने के लिए मुझे 20 दिन की मेहनत करनी परमिशन के लिए, इसलिए 5 साल लग गए मुझे इस पिक्चर को कम्प्लीट करने में। ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल पुलिस। कहाँ कहाँ पे शूट किया गया है? सर ये हमने 10 कंट्री में शूटिंग की और इंडिया में 6-7 बॉर्डर पे हमने शूटिंग की। अभी आपके साथ में और सही कलाकार कौन-कौन हैं? बाकी नेगेटिव रोल में हैं, बाकी मेन जो कलाकार हैं वो हमारे देश के हीरो हैं। कौन? जो ओरिजिनल जवान हैं। देशभक्ति के ऊपर फिल्म है, गाने की म्यूजिक की बात करें, किस लिए म्यूजिक दिया है? सर इसमें एसपी सेन जी ने म्यूजिक दिया है। और क्या इसकी खूबी क्या है इस मूवी की, आप बताना चाहेंगे? क्या मैसेज देते हैं? सर मैसेज यही देते हैं कि हम तो बोलते हैं कि जहाँ भी देश का कोई भी जवान मिले उसकी रिक्वेस्ट करें और उसके लिए जय हिंद बोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विजय, और आज उनका बर्थडे है तो विश यू हैप्पी बर्थडे। और टारगेट इंडिया, तो मुझे लगता है नाम में सब कुछ है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बॉर्डर हमारी मूवी बनी थी, LOC बनी थी, उसी की तरह ये इंडिया की मूवी है। लेकिन हाँ, इसमें ओरिजिनल कारगिल यूज़ किया गया है, डॉक्टर ओरिजिनल है, लोकेशन उसके साथ, मतलब एक पुलिस वाला भी यहाँ पे ओरिजिनल यूज़ किया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट उनके टीम के लिए, थैंक यू। हेलो, मैं मराठी, हाँ मैं जस्ट अभी संजय मिश्रा जी के साथ मैंने एज अ लीड में ब्रीना मूवी की है, उसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी नॉमिनेटेड हुआ है। उसके साथ साथ मैंने ट्रैक द मिस्ट्री की है और अभी मराठी मूवी भी कर रही हूँ जल्दी सर के साथ। सर मैं क्या जस्ट तक कुछ बोल नहीं पाऊँगा, सर बोलेंगे। हाँ ये बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ बोलो। हाय, मेरा नाम राहुल किशोर मौर्य है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। जैसे मराठी में एक कहावत है, मूर्ति लहान पर कीर्तिमान। अतः जस्ट अभी जस्ट हम लोगों ने एक ट्रेलर देखा, अगर ट्रेलर में इतना दम है तो मूवी में कितना दम होगा। करेक्ट। तो इसके वजह से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं विजय जी को और टारगेट इंडिया को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।